नेशन इज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का इनॉग्रेशन किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान पीएम ने कहा, हम इस समिट को लेकर इससे पहले 2021 में मिले थे, तब पूरी दुनिया कोरोना से घिरी हुई थी। तब कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी। आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। उन्होंने कहा कि इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी हुई दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में से एक होगा। पीएम ने कहा, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मेरीटाइम क्षमता मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत फायदा हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 9 सालों से हम इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए योजना बनाते हुए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मेरीटाइम इंडस्ट्री को बदल सकता है। G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। सैकड़ों साल पहले सिल्क रूट ने ग्लोबल बिजनेस को बढ़ाया था। ये दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना था। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी लोकल और ग्लोबल बिजनेस की इमेज को बदल देगा। पीएम ने कहा, आने वाले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 जहाज बनाने वाले देशों में से एक बनने वाला है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आने वाले समय में हम देश के कई जगहों पर जहाज बनाने और मरम्मत करने वाले केंद्रों को डेवलप करने जा रहे हैं। पीएम ने कहा, मैरीटाइम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमने विश्व की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सर्विस की शुरुआत की है। भारत अपने अलग अलग पोर्ट पर इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।